नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है जिनको जाड़ या फिर दांत में दर्द होता रहता है, उनके जाड़ या फिर दांत जो है वो सड़ चुके हैं, यानी कि देसी भाषा में अगर बोलें तो उनको कीड़ा लग गया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि दो ऐसे नुस्खे जो कि एक परमानेंटली काम करेगा और एक आपको जो है वो इंस्टेंटली काम करेगा। इंस्टेंटली वाले में आप अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप उसे नुस्खे को यूज कीजिए, आपको कुछ ही समय में आपका जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। और दूसरे में हम बात करेंगे कि आप परमानेंटली यानी हमेशा के लिए आप अपने जाड़ के दर्द से कैसे निजात पा सकते हैं। तो जाड़ का दर्द जो वो ऐसी चीज होती है जो कि अगर आपको हो रहा है तो आप ना ही तो कुछ खा सकते हैं और ना ही आराम से सो सकते हैं। ये दर्द जिनको होता है ये वही समझ सकते हैं कि ये दर्द कैसा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नुस्खे की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने जाड़ के दर्द को हमेशा के लिए कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी हल्दी, एक नींबू की, और साथ ही में आपको एक चम्मच चाहिए होगा सरसों का तेल। कोई भी ब्रांड का हो, रिफाइंड नहीं होना चाहिए, सरसों का तेल होना चाहिए। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इसको बनाना है। दोस्तों इसको बनाने की जो विधि है वो आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। आप बीच में इस पे स्किप करेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, आपको एक चम्मच समथिंग आपको ले लेनी है हल्दी, और उसके अंदर आपको एक ही चम्मच सरसों का तेल मिला देना है। तो यहां पर हमारे पास एक चम्मच सरसों का तेल है, हमने इसके अंदर तेल डाला और हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो हमारा पेस्ट जो है वो अभी हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद में आपको समथिंग 7 से 8 बूंदें आपको नींबू की इसके अंदर डाल देनी है। तो हम 7 से 8 चम्मच नींबू की डाल देते हैं, समथिंग आपको इतना नींबू इसके अंदर डाल देना है। और फिर से आपको अच्छे से इसे मिक्स करना। नींबू के अंदर जो है वो विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारी जाड़ और दांतों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो कि आपके जाड़ और दांत की प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उनको ठीक कर देगा। तो ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूं। आप दिन में इसे 2 बार भी यूज कर सकते हैं, 3 बार भी यूज कर सकते हैं, जब भी आपका मन करे आप इसे यूज कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि कुछ भी नुस्खे बताता हूं तो नुस्खों को कभी भी बनाकर स्टोर नहीं किया जाता है, वो जब लगाया जाता है तभी बनाया जाता है। तो चलिए अब बता देता हूं आपको कि कैसे इसको यूज करना है। आपको चाहिए होगा एक कॉटन यानी कि रुई, और उस रुई को इसके अंदर आपको डालना है और थोड़ा सा आपको ऐसे इसके अंदर लगा लेना है। थोड़ा सा लगाकर आपको इसे अपनी जो जहां पर भी आपको जाड़ में दर्द है वहां पर आपको इसे रख लेना है। रख के आपको अपना मुंह बंद कर लेना है और आपको समथिंग 2 से 3-4 मिनट तक आप इसे रखे रखिए वहां पर, और उसके बाद में आप साफ गुनगुने पानी के साथ में कुल्ली कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा राहत भी मिलेगी और आपके जो सड़ गए आपका दांत वो भी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जो इंस्टेंटली काम करता है नुस्खा, जिसको आप लगाते ही आपका दर्द जो है वो ठीक हो जाए। उसके लिए आपको चाहिए होगी एक लौंग, ओनली एक लौंग। आपको जब भी जिस भी जाड़ में आपको दर्द है आप उस लौंग को लीजिए, जाड़ के ऊपर रखिए और उसे वहां पर दबा लीजिए। आप ऐसा उसे दबा कर रखिए जब तक आपका दर्द ठीक ना हो। 1 या फिर 2 मिनट के अंदर ही आपका दर्द जो है वो जड़ से गायब हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही यूजफुल अगर जानकारी आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया।